जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना वायरस का आतंक जारी है। यहां तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के केस बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। श्रीनगर में तालाबंदी प्रतिबंध जारी रखा गया है, वहीं सख्ती को और बढ़ा दिया गया है। अकारण घर से निकलने वाले लोगों पर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 1500 केसों का आंकड़ा पार हो चुका है, जिसमें 20 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। ईद को लेकर भी प्रशासन और सतर्क हो गया है, क्योंकि रविवार को ईद का पर्व है, चहल पहल ना हो इसके लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। ऐसे इंतजाम करने का मकसद यह है कि ईद के पर्व को लेकर भीड़ एकत्रित ना हो, ताकि कोरोना के केस बढ़ ना जाए। श्रीनगर डीएम शाहिद चौधरी ने आमजन से घरों में रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, बस कोरोना के प्रति जागरूक व सावधान होने की जरूरत है। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। जैसे हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया एक बड़े सीरियस मोमेंट से गुजर रही है और हर जगह रिस्ट्रिक्शंस इसलिए हैं कि इस पेंडेमिक के स्प्रेड को रोका जा सके। रमज़ान का महीना, पेशेंस का महीना अब ख़त्म होने को है और ईद के लगवी मानी खुशी के हैं, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खुशी हमें यही होगी कि इसको हम कंटेन कर सकें, ये स्प्रेड ना हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि किसी किस्म की कोई कॉन्ग्रीगेशन ना हो, गैदरिंग ना हो, कि जिसकी वजह से कोई सस्पेक्ट केस कहीं पे हो, उसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो। श्रीनगर के तमाम जो सिटीज़न हैं उनको मैं इस मौके पे इस चीज़ की मुबारक देना चाहूँगा कि पिछले 2 महीने में बहुत बेहतरीन एक सिचुएशन एमर्ज होकर आई है, जिसमें लार्जली कंटेन यहाँ पे रहा है। जो हमारे नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो क्लियरली कैटेगराइज्ड हैं, नॉन हैं, पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स हैं। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके के साथ रिस्पॉन्स दिया है। कई जगह वायलेशंस भी होती हैं, लेकिन लार्जली मैक्सिमम पॉपुलेशन की तरफ से हमें बड़ी अच्छी कोऑपरेशन मिली है, और मुझे लगता है कि कुछ चंद दिनों की और हमें कोऑपरेशन चाहिए होगी। और ख़ास करके फेस्टिवल्स का ये वीक है, लोग इबादत में भी हैं, दुआ भी करते हैं जिसकी ज़रूरत है, और इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम किसी किस्म की गैदरिंग या कॉन्ग्रीगेशन अवॉइड करें। और मुझे लगता है कि जो ईद के खुशी के मानी हैं वो इसी में ट्रांसलेट होंगे कि हम सब मिलजुल के इस चैलेंज से अच्छे तरीके के साथ सक्सेसफुली एमर्ज हों। श्रीनगर के अंदर लोगों में जो काफ़ी सारे लोग हैं जो सपोर्ट भी कर रहे हैं लॉकडाउन को, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाह रहे थे कि ईद के मौके पर थोड़ी बहुत एस्टैब्लिशमेंट्स को परमिशन मिले काम फंक्शनल रहने की, ताकि वो अपना डेली। देखिए, जो आपने बात की उसमें कंपैरिजन की, तो एक बड़ी डायनेमिक सिचुएशन होती है। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स को रेड जोन डिक्लेयर किया गया था एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके, कि जहाँ पे बाहर से हमारे लोग आ रहे थे क्वारंटाइन में या जिनका ट्रैवल हो रहा था, वहाँ पे जब डिक्लेयर किया गया तब कोई भी पॉजिटिव केस नहीं था। तो आपने देखा कि कुछ ही दिनों में पॉजिटिव केस आए। जब रेड जोन डिक्लेयर किया गया था तो सवाल ये थे कि पॉजिटिव केस नहीं तो रेड जोन कैसे है, लेकिन एक अप्रोच फ्यूचरिस्टिक ये थी कि हज़ारों की तादाद में हमारे जो लोग बाहर से आ रहे हैं, सांबा से, कठुआ से क्रॉस होकर आते हैं, तो जब गवर्नमेंट ने उनको रेड जोन रखा था लास्ट टाइम, तो आपने देखा कि हफ्ते के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा केसेज आए। जहाँ तक श्रीनगर की बात है, हमने पहले भी पब्लिक में भी कहा है कि ग्रेडेड हमारा रिस्पॉन्स रहेगा ओपनिंग को लेके भी। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनकी हमने ट्रेनिंग भी शुरू की है, उनसे बातचीत की है। जैसे बेकर्स की हमने ट्रेनिंग की, लगभग 180 प्लस बेकरीज जो हैं उनके स्टाफ की ट्रेनिंग की है, उनकी टेस्टिंग भी शुरू की है। इसी तरह जो वाजा हैं उनकी ट्रेनिंग हमने 2 दिन में की है। बाकी जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी आस्ते आस्ते ट्रेनिंग चलेगी। तो मैंने पहले भी बड़े वाजह तौर पर कहा है कि एकदम से शहर को खोलना कोई एक वाइज डिसीजन भी नहीं होगा, और दिक्कत भी इससे हमें काफ़ी हो सकती है। इसलिए जैसे लॉकडाउन ओपन करना है सेक्टर वाइज, तो उस पर कॉल लिया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वेजिटेबल वेंडर्स हैं, मिल्क सप्लायर्स हैं, बेकर्स अब हो गए, बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको स्लोली स्लोली हम वर्क कर रहे हैं। बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अगर जैसे हमारे पास केसेस ज़्यादा नहीं आते हैं, लार्जली कंटेन रहता है, तो डेफिनेटली उसमें ईजमेंट की जाएगी। इसके साथ साथ ये देखने की ज़रूरत है कि श्रीनगर बीइंग अ कैपिटल सिटी, हर तरफ से इसमें लोग आ रहे हैं। जैसे आपने देखा बहुत सारे पॉजिटिव केस हमारे पास कुछ डिस्ट्रिक्ट से आए, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स भी अफेक्ट हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के कई बार रेड जोन से आते हैं, कई बार वो हमें पॉजिटिव मिले हैं। तो हमें ज़्यादा गार्डेड रहने की ज़रूरत है इस स्टेज पे, पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ के हमें ज़्यादा इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं श्रीनगर के सिटीजन से ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है,
और कोई भी डिसीजन नी जर्क रिएक्शन नहीं होता है, उस पर बड़ी एक कंसिडर्ड ओपिनियन होती है, कंसर्न स्टेक होल्डर्स की, डिफरेंट लोग जो डिफरेंट सेक्टर्स में हैं उनकी फीडबैक लेके उस अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है, और जिस स्टेज पे हम स्टैंड कर रहे हैं उसके हिसाब से। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्टिंग की आपने बात की, टेस्टिंग के लिहाज से भी काफ़ी कुछ बातें चल रही हैं बाहर टेस्टिंग डिलेज को लेकर के पर्टिकुलरली, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या जी? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये सवाल पूछा है। टेस्टिंग का जैसे मैंने पहले कहा कि लगभग 50 से हमने शुरू करके 200-250 हमारी एवरेज टेस्टिंग की थी, आज वही लैब्स 1,500-2,000 पर डे टेस्ट कर रही हैं, स्कीम्स की कैपेसिटी है लगभग 2,000 वो पर डे कर रहे हैं, जीएमसी से 1,000-1,500 के बीच में होते हैं। आपकी जो लैब की टेस्टिंग कैपेसिटी है वो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ी है, लेकिन जितनी आपके पास ट्रेन्स आ रही हैं, बसेस आ रही हैं या फ्लाइट्स आ रही हैं, उसके कंपैरिजन में लैब्स को कैलिब्रेट करना पॉसिबल नहीं है कि आपकी 20 ट्रेन्स आ गई हैं तो आप लैब को 20 गुना बढ़ा लें। तो लगभग 12,000 की पेंडेंसी टेस्ट की स्कीम्स ने कल भी जैसे बताई है, तो उन चीज़ों। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं फिरदौस कादरी। इस वक्त हम श्रीनगर के लाल चौक पर आपको देंगे कोविड-19 के अपडेट्स। अगर बात करें कर लास्ट अपडेट्स की, तो 40 नए केसेस कश्मीर घाटी में सामने आए, जो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 1500 का आंकड़ा कश्मीर में पहुंच चुका है। अगर मरने वालों की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर मरने वालों की तादाद 20 हो चुकी है। हालांकि अगर की रिकवरी की बात करें, रिकवरी भी एक बड़ी तादाद में हो चुकी है, ये भी हम कह सकते हैं कि 70% यहाँ पर रिकवरी रेट कश्मीर घाटी में पाई जाती है। हालांकि अगर हम बात करें कि कल या परसों कश्मीर घाटी में ईद मनाई जा सकती है या पूरे भारत में भी ईद मनाई जा सकती है, उसके साथ साथ कश्मीर घाटी में इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है पूरी श्रीनगर सिटी में रिस्ट्रिक्शन उसको तेज़ी लाई गई है, हर जगह खबरदार तारे, जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ सेना हर जगह मौजूद है, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें एसेंशियल सर्विसेज की, एसेंशियल सर्विसेज को हर जगह मूवमेंट पासेस देकर आगे छोड़ते हैं। याद रहे ज़्यादा केसेस आने के बाद ही कश्मीर के प्रशासन ने ऐसा फैसला ले लिया है ताकि कोरोना वायरस को ज़्यादा फैलने से रोका जाए। हम आपको दिखाएंगे श्रीनगर सिटी के कुछ विजुअल्स और बात कराएंगे श्रीनगर डीएम से, जो यहाँ के डीसी श्रीनगर है शादी इकबाल चौधरी, उससे भी रूबरू कराएंगे और उनसे भी ये जानेंगे कि कब तक ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी और क्या खास रहेगा इस ईद के मौके पर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.